नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बड़ी खबर बिजनौर के क्षेत्र नजीबाबाद से। नजीबाबाद की बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं पर बिजनौर एक्सप्रेस की खबर का हुआ बड़ा असर। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी फैज हैदर हटाए गए, डॉक्टर संदीप कुमार को सौंपी गई जिम्मेदारी। बिजनौर एक्सप्रेस चैनल पर खबर चलने के बाद नजीबाबाद में गिर रही स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकारियों ने लिया संज्ञान। डीएम और नोडल अधिकारी के निर्देश पर सीएमओ ने की कार्रवाई। आपको बता दें कि लगातार लावारिस हालत में जा रही थी नजीबाद की स्वास्थ्य सेवाएं। बिजनौर एक्सप्रेस ने प्रशासन से बिजनौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना मरीजों के लिए कितने तैयार है नजीबाद क्षेत्र के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समय रहते प्रशासन को जांच करने के लिए कहा था, जिसके बाद बिजनौर डीएम श्रीमान रमाकांत पांडे और बिजनौर सीएमओ ने नजीबाबाद सरकारी अस्पताल का दौरा किया था, जिसमें प्रभारी चिकित्सा फैज नदारद मिले थे। वहीं बिजनौर एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी फैज अहमद नदारद मिले थे। दरअसल नजीबाबाद में थाने के पीछे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को नहीं मिल रहा था समय पर उपचार। मरीजों का कहना था कि अस्पताल में कोई भी इमरजेंसी के नाम पर कर्मचारी नहीं है, पूरा अस्पताल खाली पड़ा है। वहीं सरकार का कहना है कि किसी भी मरीज को अवकाश के दौरान भी सरकारी अस्पताल में देखा जाएगा। नजीबाबाद के स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी कर्मचारी अस्पताल में उपस्थित न होने पर मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा था। कुछ मरीजों का कहना है कि इमरजेंसी में आए थे, उन्होंने देखा पूरा अस्पताल खाली है, गेट खुला हुआ है, पंखे चल रहे हैं, कोई भी अस्पताल का कर्मचारी यहां पर मौजूद नहीं है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की खास रिपोर्ट। नजीबाबाद सेंटर में यहाँ 300 केसेस लाइव हुए हैं। मैंने एसडीएम सीएम को बताया था कि उनके क्वारंटाइन सेंटर में रखवाएं, दवाइयाँ उपलब्ध कराएं और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेसिंग करके उनकी टेस्टिंग कराएं। तो उसमें जो मतगणना में चूंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग काउंटिंग हॉल में इकट्ठे होने वाले हैं, तो वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग और दूसरे माध्यम भी अपनाए जाएंगे, सोशल डिस्टेंस है, मास्क लगाया जाना इत्यादि। तो उसमें कंडीशन ये भी लगाई गई कि आप जो है टेस्टिंग करा लिया, तो एंटीजन टेस्टिंग कराई। सर, बिजनौर में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी पाई जा रही है, लोग बहुत परेशान हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऑक्सीजन की ज़्यादा बात है, यहाँ पर भी 2 सिलेंडर अभी 7-7 लीटर के रखे हुए हैं। सारे जितने पीएससी सब पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं और हरिद्वार से ऑक्सीजन प्राप्त की जा रही है। और यहाँ जो हमारा युवा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर हमारे पास 90 बेड में से अभी 45 बेड खाली। उसमें हाँ प्राइवेट अस्पताल अभी 2 जगह पर, एक सीरपुर और इसमें हल्द्वार में हम 35-35 बेड का वो बना रहे हैं कि जहाँ पर अकोमोडेट किया जाए। L2 फैसिलिटी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से चलाई जाने की व्यवस्था की। प्राइवेट अस्पताल बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।